ये कोर्ट का नोटिस है, आप लोगों को अपना साइट का काम बंद करना होगा। हमें लगता है ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, अब एक बार कोर्ट जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। बेटा कहाँ लेकर बैठ गया है, चलो नाश्ता करने चलो। अरे एक मिनट माँ, मुझे मेरे ईमेल आईडी का पासवर्ड नहीं मिल रहा, वो जानना बहुत जरूरी है। अनुराग जी आप एक बार देख लीजिए, यही है ना कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स, ये नोटिस भेजने वाले लॉयर के साथ डिस्कशन करनी थी इस मामले में। चलो मान लिया कि मैंने कोई धोखेबाजी नहीं की है, लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना जिसकी वजह से उस रमेश ने नोटिस भेज दिया है। सिर्फ ये पता लगाना है कि उसका प्लान क्या है, समझ गए ना? अब देखो सारा काम सावधानी से होना चाहिए, समझ गए? चलो फटाक से सारा काम शुरू कर दो। वो हमारे हमारी अम्मा जी का कॉल था, वो बात हो गया। जी जी एक अच्छी सी कप चाय पिला। अच्छी सी मतलब मिस्टर जी, क्या हम अच्छी चाय नहीं बनाते हैं? हम दूध की जगह पानी और चीनी की जगह नमक मिला देते हैं का? मिस्टर जी आप भी ना, आप हमें तो आपकी नजरों में जीरो ही समझते हैं। तुम अभी तक नाराज हो मुझसे? अरे मैं सिर्फ पासवर्ड जानने की कोशिश कर रहा था, मेरा इरादा तुम्हें नाराज करने का बिल्कुल नहीं था, लेकिन फिर भी तुम्हें अच्छा नहीं लगा ना? I'm sorry। अगर तुम मुझसे नाराज रहोगे ना, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मिस्टर जी आप क्या कर रहे हो, सब देख लेंगे, कोई भी कौन देखेगा, यहाँ पे कोई नहीं देखेगा। नहीं कोई नहीं देखेगा, लेकिन हमें तो शर्म आता है ना, हम जो चाय बना के लाते हैं, आप बैठे यहाँ पे आके बहुत अच्छा चाय बनाएंगे, वो अच्छी नहीं डालेंगे और दूध ही डालेंगे। अगर ये अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी तो मुझे देखकर डर क्यों गई? और मुझसे दूर दूर रहती है, कुछ तो है जिसे लगातार मुझसे छिपा रही है। इसका ये राज अब ज्यादा दिनों तक राज नहीं रह पाएगा। शशि जी ये लीजिए सारी फाइल्स। विशु जी तो कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी सारी फाइल्स हैं, हमें इनकी जरूरत थी, आपको कहाँ से मिली? भैया के कमरे में से। सृष्टि जी कुछ भी करके है ना ये कॉन्ट्रैक्ट को बचा लीजिए, भैया का ना बहुत बड़ा सपना था ये कॉन्ट्रैक्ट। आप परेशान मत होइए, हम वकील से ही मिलने जा रहे हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम किसी भी कीमत पर अनुराग जी की ड्रीम्स को बर्बाद नहीं होने देंगे। हम भी यही चाहते हैं सृष्टि जी, इसलिए आपके पास है ना ये सारी फाइल्स लेकर आए, इसमें ना हर एक हिसाब किताब है और कोई भी बेमानी नहीं की गई है, और जो नुकसान हुआ है ना उस रमेश की वजह से वो सारा मुझसे वसूलेंगे, उसकी वजह से हमारा सारा काम ठप हो गया। आपको क्या लगता है रमेश नुकसान के पैसे देगा? काहे नहीं देगा, उसी ने तो झूठा नोटिस भिजवाया था ना। हाँ विष्णु जी आपकी बात सही है, कोई भी इतनी आसानी से पैसों की भरपाई नहीं करता, हमें उसके ऊपर केस करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो पैसे देगा, और केस करने के लिए ये फाइल्स की मदद चाहिए होगी। थैंक यू सो मच, हम चलते। बेस्ट ऑफ लक शशि जी। थैंक यू। जब देखो तब खाने में ध्यान रहता है, सब काम के लिए बताना पड़ेगा क्या? इन्हें हम कहाँ खाएंगे ना, हम देख जाते हैं, घास पूसो खा लेती है तो। दुलारिया आई, सारा काम जो है ना तुम्हें संभाल लो है, हमसे तो कुछ नहीं हो रहा है, हमारा तो यह सोच सोच कर माथा फटा जा रहा है, कहाँ करे कहाँ ना करे। का हुआ पुआ, तुम्हारा माथा का दुखा रहा है? तुम कहो तो हम जा देते हैं। अरे माथा दुखा नहीं रहा है, माथा फटा जा रहा है ये सोच सोच के कि अनुराग का जो ठेके का धंधा है ना वो भी उसके हाथ से जो है निकला जा रहा है, अब पता नहीं हमारे बेटे का भविष्य का क्या होगा, हमारा तो दिल बैठा जा रहा है। क्या कर सकते हैं हम? अनुराग बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ अपना कमरा में जाके आराम करो।
माँ आप कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोच रही हैं ना, मैं जानता हूं ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मुझे पता लग चुका है। And I'm sure कि इसमें पैसा भी बहुत लगा होगा माँ। कैसी बातें कर रहे अनुराग है, अब पैसा को हम देखेंगे? अरे पैसा तो हाथ का मैल होता है, हमको तो ना तुम्हारा चिंता हो रहा है, तुम्हारा भविष्य कहाँ बचेगा, तुम्हारा सपना जो टूट गया उसका ज्यादा दुख है हमको, और कुछ नहीं। अरे तुम तो अच्छा भला लंदन जा रहे थे, इसी की वजह से ना रुक गए यहाँ। और यह वो पूरा बात को हाथ से निकला नहीं है, उका है कि सृष्टि भौजी गई है ना वकील से पता करने, पूरा बात समझ के आएगी। अरे वकील तो सृष्टि के बाबूजी भी रहे थे ना तुम्हारे फूफा जी के, आज तक कोनो केस जीत पाए हैं का? नहीं ना, तब जब उसके बाबूजी नहीं जीत पाए तो बेटी क्या करेगी? तुम बता ही नहीं थे अनुराग को कि ठेके का बात जो है वो बहुत ही बड़ा मामला है। नहीं माँ, रागिनी ने मुझे बताया था कि ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम लोग हनीमून भी नहीं जा पाए थे। अच्छा, देखो इसका वजह से तुम अपना हनीमून पर भी नहीं गए, यह तो हम सोच रहे हैं कि ना इसके लिए तुमने कितना सारा कुर्बानी दिया है। पैसा तो ठीक है, लेकिन पूरा ज्वार में भी ना तुम्हारा इज्जत जो जाएगा उसका ही दुख है हमको। ऐसा कुछ नहीं होगा मैं। हमारा तीर निशाने पर तो लग रहा है ना। ये रही कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड सारी फाइल्स, हमारा सारा काम ट्रांसपेरेंट है। हमें समझ नहीं आ रहा आपका क्लाइंट किस रूल की वायलेशन की बात कर रहा है। दिस इज सो अनप्रोफेशनल। आप प्लीज उन्हें समझाइए कि इस तरह काम करने में किसी का फायदा नहीं होगा। हमारे जूनियर स्टाफ केस के पेपर तैयार कर रहे हैं सृष्टि जी, इसमें आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। फिलहाल मैं आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, एक बार अगर काम रुक गया तो हमें बहुत मुश्किल हो जाएगी। कोर्ट के स्टे ऑर्डर पर बिजनेस का नुकसान तो होता ही है सृष्टि जी, अभी मेरी कोर्ट में पेशी है, मुझे जाना है। विल सी यू इन कोर्ट सून, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चाय। क्या हुआ, कहे मुंह लटकाया हुआ है? रमेश का वकील ने हाँ तो बोल दिया ना, कल से काम शुरू कर सकते हैं ना? नहीं सासुमा, उसके वकील ने हमारी मदद नहीं की, अब हमें कोर्ट में केस लड़ना होगा। अरे जब तुम्हारे बूते का था ही नहीं तो कहे सरदारी करती फिर रही थी है? तुमने ही कहा था ना सब कुछ संभाल लेंगे, तो क्या हुआ? जब तक कोर्ट इस मामले में नई गाइडेंस नहीं दे देता तब तक काम भी बंद रहेगा। लो बोलो, हमारा तो बेटा का सारा जो अरमान है वो मिट्टी में मिल गया है, अब हम क्या करेंगे? हमारा तो बेटा, उससे तो अच्छा था कि ही लंदन ही चला गया होता, हमारा तो दिल्ली बैठा जा रहा है, अब समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। नहीं सासुमा, कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ है, हम किसी को भी अनुराग जी के सपनों के साथ खेलने नहीं देंगे। हम उन सबके खिलाफ केस लड़ेंगे और आप देखिएगा सिर्फ और सिर्फ सच्चाई की जीत होगी, यकीन कीजिए। नहीं सिस्टर, हम ये केस नहीं लड़ेंगे क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं होगा। मिस्टर जी नहीं कहे, ये मुकदमा तो लड़ना ही पड़ेगा ना हमें। हम ये केस नहीं लड़ेंगे एंड दैट्स इट। अनुराग जी, हमारे पास इसके अलावा और कोई सलूशन नहीं है। सृष्टि, केस लड़ना भी कोई ऑप्शन नहीं है। मैं मानता हूँ कि तुम दोनों इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हो, ठीक है,
और मेरी ओपिनियन हो सकता है कि तुम्हारे लिए गलत हो, मुझे ऐसा लगता है कि ये केस नहीं लड़ना चाहिए। और अगर उसके बाद भी तुम दोनों को लगता है कि केस लड़ना चाहिए तो फिर छप्पी तुम दोनों की मर्जी। मिस्टर जी, हाँ हाँ जाओ जाओ, तुम भी जाओ है अनुराग के पास। तुमको तो उसका तकलीफ से कोनो लेना देना नहीं है, उसका दिमाग का जो उलझन है ना और है बढ़ा दो। सासू माँ आप चाय तक पी लो, और नहीं पीना है हमको चाय, शांति से सांस नहीं ले सकता आदमी। चाय तो दूर का बात, अब क्या हम करें। देखो रागिनी, बात को समझने की कोशिश करो, ऐसे केस साल दर साल चलते रहते हैं। अगर इसमें किसी का फायदा होता है तो वो है लॉयर्स, हमारा कुछ फायदा नहीं होता है। और मैं कहता हूँ कि अगर 4-5 साल बाद हमें केस जीत भी जाते हैं तो उस ड्यूरेशन में जितना हमें लॉस होगा उतना प्रॉफिट हमें पूरे प्रोजेक्ट में नहीं होगा। सो व्हाट्स द यूज, बात को समझने की कोशिश करो, इससे कुछ नहीं होने वाला, इट्स जस्ट अ वेस्ट। मिस्टर जी आप एक बार सिस्टी को कॉल तो करने दीजिए, इसे हाथ पे हाथ धरे बैठने से भी तो कुछ नहीं होगा ना। वैसे तो आप ठीक ही कह रहे हैं, आज तक किसी का ये कोरट केस के चक्कर में कोनो भला हुआ है क्या? Exactly. ससुर हम तो कहते हैं ना, उरो मेज को जाके ना दो चार टुक गाली गलोच करो उसके साथ, और तब भी अगर वो चूचा पाट करे ना तो जाके गणपति पे पिस्तौल रखो, अपने आप सारा नोटिस हवाई हो जाएगा, देख लेना। ये तुम क्या सोल्यूशन दे रही हो मुझे? तुम ये कह रही हो कि हम जाके उसके साथ मार पीट करे? हाँ नहीं मिस्टर जी, वो मनोज तिवारी है ना, वो उसका हम सिनेमा में देखे थे कि वो कोरट कचहरी का चक्कर ही नहीं पालता, तो वो ऐसा करता, तो हम सोचे कि वो आइडिया यहाँ अपना ले। तो एक सेकंड रागिनी, यहाँ कोई मनोज कुमार की पिक्चर नहीं चल रही, और तुम प्लीज अपने फिल्मी आइडियाज अपने पास रखो, दिस इज रियली सीरियस, ये एक सीरियस मैटर, प्लीज राग। हमारा बस चले तो इस रमेश पर मानहानि का दावा कर दे, क्योंकि इसने हमारे काम करने की ईमानदारी पर सवाल उठाया, जिसकी वजह से मार्केट में हमारी गुडविल पर असर पड़ेगा। कोर्ट में इस रमेश के नोटिस पर जवाब तो देना ही पड़ेगा। बस बस सृष्टि जी बस कीजिए, आप इतना तेज चल रही हैं कि हमें ना चक्कर आने लग गए आपके पीछे आने में। लीजिए पानी पीजिए। लेकिन विशु जी, पहले आप पानी तो पीजिए, हम बताते हैं क्या करना है। आपको उस आदमी के ऊपर केस करना है ना, आप बिल्कुल करिए, हमें ना भैया से बात कर लेंगे, और हमको पूरा भरोसा है भैया हमारी बात है ना कभी भी नहीं टालेंगे, ठीक है ना? आइडिया, मैं काम करता हूँ, जाके उस रामेश से कल मिलके आता हूँ, डायरेक्टली बात करूंगा आमने सामने बैठ के ना, शायद चीजें कुछ सॉर्ट आउट हो जाए, उसकी बात समझ भी जाऊंगा और उसे अपनी बातें भी समझा दूंगा, और हो सकता है ऐसा करने से हमें ये केस करने की नौबत ही ना पड़े। आप नहीं नहीं, आपको रमेश से काहे मिलेंगे, अरे आपको कोनो जरूरत नहीं है वो टुच्चे से मिलने का। रागिनी अगर इस इशू का कुछ सोल्यूशन निकालना है तो मेरा उस आदमी से मिलना बहुत जरूरी है। अरे आप काहे झंझट में पड़ रहे हैं, हम और सिस्टी है ना, हम संभाल लेंगे सब। आप एक काम कीजिए, आप आराम कीजिए, आपको आपको डॉक्टर ने भी वही बोला ना आराम करने के लिए, काहे दिमाग में जोर डाल रहे हैं। रागिनी इस वक्त मेरे आराम से ज्यादा मेरा काम ना बंद होना ज्यादा जरूरी है, और उसके लिए मुझे उस आदमी से मिलना बहुत जरूरी है। क्यों बात बताओ, तुम ऐसा क्यों नहीं चाहती कि मैं जाके उस रमेश से मिलूं? कहीं तुम इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई ऐसी बात तो नहीं जानती जो मैं नहीं जानता, या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? आप कुछ बताए नहीं कभी हमें। मिस्टर जी इस बारे में ना हम बाद में बात करेंगे, वो कहा है ना कि एक बहुत जरूरी फोन करना है, और हमारा जो मोबाइल है ना वो स्विच ऑफ हो गया है,
तो चार्जर भी नीचे भूला है हाल में। हाँ, हम वो काम करके आते हैं, आप तब तक सोने का कोशिश कीजिए। ठीक है, आते हैं हम। इसका चार्जर तो यही है, मतलब ये बस डिस्कशन से बचना चाहती थी। लेकिन ये ऐसा क्यों कर रही है? ये क्यों नहीं चाहती कि मैं उस रामेश से मिलूं? एक पल को तो लगता है कि इसे मेरे बारे में कुछ पता नहीं है, और दूसरे ही पल लगता है कि इसे मेरे मन की हर हलचल का पता लग जाता है। ये क्या पहेली है मुझे धूप छांव वाले रिश्ते की जड़ तक पहुंचना ही होगा। ए फुआ, कहाँ है तुम्हारे हाथ में? ए कहाँ है? वो है रागिनी बहुरानी के मायके से सारा सामान जो आया है दिवाली का, वो छांटता है। बताओ, तुम्हारे चेहरा पर छुहारा जैसा चिंता का लकीर देके लोग तुमको किसमिस भेज रहा है। पतो के नैहर से तब पूरा अब सोना चांदी ना आना चाहिए। लरिया, जो किसमिस है ना, वो सोना से कम नहीं है। क्या है कि छोटा सा किसमिस है ना, आज इस घर में जो है बहुते बड़ा बवाल खड़ा होगा। आज अनुराग और रागिनी के बीच में ना बहुत बड़ा मतभेद पैदा करेंगे। कहा है कि आज अनुराग के लिए है ना खीर बनेगा, वो भी किसमिस वाला। बाकी फुआ, वो अनुराग बबुआ को तो किसमिस चाहिए। तो हम चाहते हैं दुलारिया, वह चाहते हैं। फुआ, जो तुम करने जा रही हो ना, तेका सोच समझ के करना। कहा है कि तुम्हारा ग्रह नक्षत्र पहले ही गड़बड़ायल है, कहीं तुमको लेना का देना ना पड़ जाए। वो तो है, हमारे ग्रह में जो है ना, वो तुम शनिचर बन के जो बैठी हो, तो काम तो कर नहीं सकती हो। जाओ रागिनी को बुला कर लाओ। मिस्टर जी, रमेश से मेरे का सिर्फ पकड़ लिया। ससुरा जैसे दुश्मन नहीं, वो लंगो किया यार हो क्या बचपन का। अगर ये रमेश से मिल लिए तो इनको तो दो ही मिनट में पता चल जाएगा कि हम कहाँ तिगड़म लगाए थे वो कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए। ससुरा, फिर ये तो हम लाख सफाई दे दे, ये तो बिल्कुल नहीं मानेंगे हमारे। क्या करें, कुछ समझे भी नहीं है। हमारा तो माथा फटा जा रहा है। पुआ, कितना खराब नसीब है तुम्हारा है। घर में दुद्दू को पतो है, तैयो तुमको शांति है कहीं? और सारा काम तुम्हारे ही जिम्मे है, हम तो तुमको कब्बो नहीं आराम से बैठल देखते हैं। अरे का बताए दुलरिया, हमारा तो नसीब ही खराब है। सासू भैया, का हो गया? का बताए, वो हमारा जो बीपे है ना, वो है लो हो गया है। इसी के लिए सर फटा जा रहा हमारा। पूरा का खाना भी बनाना है, बस वो है सोच रहे थे कैसे बनाएंगे। आप टेंशन मत लीजिए, वो रात का खाना तो हम बना लेंगे ना। आप जाके दवाई खाइए और आराम कीजिए, हम बना लेंगे। तुम बना लोगे? हाँ, बना लेंगे। अरे लेकिन अनुराग के लिए खीरे बनाना है, और उसको जो है हमारे हाथ का ही खीर अच्छा लगता है। दुलरी, आम को ले चलो तनी रसोई में। चलो सासू मैया, आप ना खीर भी हम बना लेंगे ना। आपको आराम का जरूरत है, आप जाके आराम कीजिए। आप बस हमें इतना बता दीजिए कि वो खीर में जो है काका डलता और कितना मात्रा में डलता है, बना देंगे। ठीक है, तुम लो दुलरिया, खीर में तो सामान पड़ता है वो बता दो है। अब तुम अकेले चल जाओगे? हम चले जाएंगे, तुम तो नहीं इसका मदद कर दो। अब अटकी भाजी आज मिस्टर जी के लिए ना ऐसा खीर बनाएंगे कि वो माँ के हाथ का स्वाद भूल कर ना बीवी के हाथ के स्वाद के दीवाने हो जाएंगे। अच्छा मौका है रागिनी सिंह, दिखा दो अपना प्यार। आओ अनुराग बेटा, यहाँ बैठो आराम से हैं। ऐ पुआ, वो बड़की भाजी वो खीर तक खिलावे नहीं किया अभी है। अरे बोले, हम तो नहीं आवाज लगाए दो है। बड़की भाजी, खीर का कल है खिलाओगी? ला रही हूँ दुलारी दीदी। आ देखो, खीर भी ले आई है तुम्हारे लिए, उसी ने बनाया है आज। रखो। अरे रुको, हम परोसेंगे आज तो। आज तो अनुराग को जो है ना हम परोस के देंगे अपने हाथों से। आई लो बेटा, तो बहुत अच्छा बनाया होगा, देखो खाओ है। बिसु को भी देते हैं। एक मिनट, अनुराग खाना मत बेटा। क्या हो गया?
कि कहाँ कर दिया इसमें किसमिस डाली हो? किसमिस का तो दी हमने। अरे तुमको पता नहीं है का वो किसमिस से अनुराग का कहता वो एलर्जी है। माँ मुझे किसमिस से एलर्जी। हाँ बेटा। हाँ भैया आपको है ना किसमिस से एलर्जी है, डॉक्टर साहब ने ना आपको मना किया किसमिस खाने के लिए। आपको पता है आपको है ना एक बार अस्पताल भी जाना पड़ गया था। हाँ अनुराग जी, एक बार दिवाली पर माँ ने आपके लिए खीर भेजी थी लेकिन उसमें किशमिश नहीं डाली थी क्योंकि वो जानती थी कि आपको किशमिश से एलर्जी है। सुन रही हो है? क्या चाहती हो तुम है? हमारा हंसता खेलता हुआ बेटा तुमको अच्छा नहीं लगता है का? लेकिन हम तो का हम कर रही हो। अरे हमारा ही गलती था कि हमने तुमको खीर बनाने के लिए भेजा, उससे तो अच्छा होता कि हमें बना लेते। लेकिन आप ही ने ना हमारे हाथ में वो किसमिस का टोकरी थमाया था तो हमें लगा कि क्या लगा तुमको है? तुमको लगा कि किसमिस डाल देना चाहिए। अरे उनके लिए नहीं दिए थे हम तुमको टोकरी, हम दिए थे कि खाने से अलग रखने के लिए ताकि अनुराग के खाने में कहीं मिला ना दो।